पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लूप्रिंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स, जो कि सबसे फर्स्ट आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में, ऑल अबाउट माउथ। माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। अब माउथ में दो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट होता है टीथ, एक तो टीथ होता है, दूसरी टंग होती है। पहले हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। सो टीथ इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। टीथ जो होता है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि इसमें इनेमल होती है, और इनेमल किस चीज से बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। टीथ में जो अपर मोस्ट जो पार्ट होता है, जो कि एल्वियोलर प्रोसेस से अपर साइड की ओर होता है, उसे हम कहते हैं क्राउन। ठीक है, अब क्राउन के नीचे आ जाता है नेक, जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन क्राउन एंड रूट। ठीक है, उसके बाद में जो एल्वियोलर प्रोसेस के नीचे जो भी स्ट्रक्चर होता है टीथ का, उसे हम कह देते हैं रूट। ओके, अब रूट में होती है पल्प कैविटी। अब पल्प कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो होता है नर्व फाइबर, एक होता है ब्लड वेसल्स, और एक होती है लिम्फ। ठीक है, अब जो पल्प कैविटी होती है उसके सराउंडिंग होती है डेंटाइन। ओके, और जो पल्प कैविटी और टीथ, यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है ना, नहीं, ये जो टीथ होता है वो एल्वियोलर प्रोसेस में किस स्ट्रक्चर से धसा हुआ होता है, कनेक्टिव्स। ठीक है, ये बनते हैं कोलेजन फाइबर से। अब ये जो कॉनकेव पोर्शन है, ओके, इसे हम कहते हैं कस्प। कस्प हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब जो टीथ की जो लेयर होती है उसे हम इनेमल कहते हैं, और इनेमल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है ह्यूमन बॉडी में, और ये रिलीज करते हैं एमिलोब्लास्ट सेल्स। ओके, गम्स एल्वियोलर प्रोसेस के नीचे होता है, आई मीन ऊपर होता है। फिर जो टीथ होते हैं वो डाइफियोडोंट होते हैं ह्यूमंस में, और हेट्रोडोंट होते हैं। ओके, डाइफियोडोंट को हम टेम्प्ररी एंड परमानेंट। डाइफियोडोंट इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें दो टाइप्स के टीथ होते हैं, एक तो टेम्प्ररी होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। और जो हेट्रोडोंट होती है वो एक कंडीशन होती है जिसमें कि टाइप्स ऑफ टीथ, अब ह्यूमन में मेनली फोर टाइप्स ऑफ टीथ रहते हैं। ठीक है, उसमें एक आ जाता है इंसिसर, एक कैनाइन, एक प्रीमोलर और एक मोलर। जो इंसिसर होते हैं वो चीविंग टीथ होते हैं, जो कैनाइन होते हैं वो टीयरिंग टीथ होते हैं, और जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। मतलब ये तो फूड को च्यू करते हैं, ये टीयर करते हैं, और ये ग्राइंड करते हैं। थैंक यू।